जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो में जो बातें मैं बोलने वाला हूं उनको सुनकर आपको अच्छा ना लगे और आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें या फिर मुझे नॉट इंटरेस्टेड लिस्ट में डाल दें। लेकिन देखिए, जो बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो बात बोलना जरूरी है और उस बात को ना कहने से सच्चाई बदलने नहीं वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करने ही वाले हैं तो एटलीस्ट ये वीडियो को पूरा देख कर जाइए। मध्य प्रदेश बेस्ड एक आरटीआई एक्टिविस्ट है चंद्रशेखर गौर, जिनके आरटीआई के जवाब में रेलवेज ने बताया था कि 2,74,580 मतलब करीब 2,75,000 पोस्ट वेकेंट थी ग्रुप सी की जून 2023 तक, और उनमें से भी 1.7 लाख जो थी वो सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जून 2023 में जो टोटल वैकेंसीज आरटीआई के थ्रू रेलवे ने बताई थी वो करीब 3.25 लाख थी, जिनमें से कि 2.25 लाख वैकेंसीज मतलब 1.75 लाख वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में जो लोग एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर। पिछले कुछ समय में हमने पश्चिम बंगाल का रेल हादसा देखा, इसके बाद हमने उड़ीसा का रेल हादसा देखा, इसके बाद फिर कर्नाटका का हादसा देखा, और अब झारखंड में डीरेल हुई मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल टकराई है। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। अब तक जो खबरें बताई जा रही हैं उनमें 2 की मृत्यु और 20 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। कुछ ऐसा ही हादसा और भी समय पहले हो चुका है। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ट्रेन बस एक दूसरे से जाके टकराती जा रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसको रोके कैसे। और लगातार मैं यही सोच रहा हूं कि आखिर गलती किसकी है, जवाबदाता यहां पर कौन है, कौन आगे आकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, कौन ये बोलेगा कि हाँ यहां पर हमारी गलती थी, कब हम जांच का कोई ऐसा ठोस सॉल्यूशन निकालकर सामने रखेंगे कि इस हादसे के कारण ये लोग थे और इन लोगों के ऊपर हम पूरी जिम्मेदारी डाल सकते हैं। आखिर देश की जनता अब कैसे विश्वास करे रेलवे के ऊपर। ये क्या हो रहा है कि हर 10 दिनों में हमको कोई नई घटना सुनने को मिल जाती है। आज के हादसे की बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह करीब 3:43 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में मैंने आपको बताया है कि 2 लोगों की मृत्यु और 20 लोगों के घायल होने की जो बात है वो बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन का नंबर था 12810। मुंबई हावड़ा मेल का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया था। इसके बाद इंजन समेत ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसवा और बड़ाम्बे के बीच में हुआ है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे की दुर्घटना राहत ट्रेन और एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी जा चुकी है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल भी लेकर जाया जा रहा है। मतलब जो जो चीजें होनी थी उसके बाद की वो हो चुकी हैं। पर सवाल यह है कि हम लोग इस कंडीशन तक, इस पोजीशन तक, इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो इसके पहले करी जा सकती थी, और अगर करी जा सकती थी तो उनको पहले से क्यों नहीं किया गया। समस्या ये है कि लोग हादसे में हुई मौतों की संख्या सुनते हैं कि 3 या 5 है तो कहते हैं कि चलो शुक्र है ज्यादा समस्या नहीं हुई। घायलों को लेकर न्यूज पढ़ के ज्यादा संवेदना लोगों को वैसे भी होती नहीं है। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि घायलों से तात्पर्य है कि मान लो किसी का पैर टूट गया, पैर कट गया, पसली टूट गई, रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, घर का कमाने वाला ही वही एक व्यक्ति था जो कि शायद अब जीवन भर विकलांग रहेगा। जरा सोच के देखो। खैर, वो कमाने वाला अगर ना होकर भी एकमात्र सदस्य ही था तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का क्या। उसके साथ हमारे, मतलब आप जरा सोच के देखिए, एक बार हमारा जब उसके साथ कनेक्शन बिल्ड होगा तो आप उसके शरीर पर सारे के सारे परिवार की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जो कि शायद उसके साथ हुए हादसे के बाद बिगड़ जाएगी। कितनी प्रॉब्लम्स उसको अब जीवन भर झेलनी पड़ेंगी। तो प्लीज ये सोचकर कि ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है, आप लोग ये ना सोचिया करिए कि भैया जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है। दरअसल जून 2023 ओडिशा में भी एक बड़ा हादसा हुआ था। खुद पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे, पूरी कंडीशंस का उन्होंने खुद जायजा लिया था। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान सेवक होने के नाते ये उनका दायित्व भी था। हालांकि कई लोगों का कहना था कि एक साल बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर वो वहां पर गए थे। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जुलाई माह की अगर उपलब्धियों के बारे में हम लोग बात करें तो आपको काफी कुछ चीजें हिला कर रख देंगी। 18 जुलाई यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई गुजरात के वलसाड़ में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई बंगाल में ट्रेन हादसा, 27 जुलाई छत्तीसगढ़ में ट्रेन हादसा, 29 जुलाई बिहार में ट्रेन हादसा, और अब 30 जुलाई झारखंड में ट्रेन हादसा। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि पीएम को हर एक जगह पर जाना चाहिए था, बट अब ऐसा लगता है कि शायद वो समय आ चुका है कि एटलीस्ट अश्विनी वैष्णव जी को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए एटलीस्ट कम से कम इस्तीफे की पेशकश तो कर ही देना चाहिए। एक्सेप्ट होना ना होना वो एक बात की बात है,
बट एटलीस्ट दिखावे के लिए ही सही, कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में इस्तीफा दे दिया था, उसमें करीब 142 डेथ्स हुई थी। नीतीश कुमार ने 1999 में ऐसा किया था, उन्होंने भी ट्रेन हादसे के बाद ऐसा किया था। ममता बनर्जी ने 2 बार इस्तीफे की पेशकश करी थी, हालांकि दोनों बार उस समय के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके इस्तीफे को वापस कर दिया था। इसके अलावा अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो सुरेश प्रभु जी ने भी 2017 में इसी प्रकार के एक्सीडेंट्स के बाद में इस्तीफे की पेशकश करी थी, हालांकि उनके इस्तीफे को वापस कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया था। और अश्विनी जी पर काम का तो वैसे भी बहुत ज्यादा ही है, मेरा मतलब है कि आप एक काम करो पर अच्छे से करो, जैसा कि हमको 3 इडियट्स में रैंचो ने बताया था कि भाई भले ही घास काटो पर सबसे अच्छी घास काटो। और यहां पर अगर हम बात करें अश्विनी जी की, तो उनके ऊपर तो काम का वैसे भी बहुत ज्यादा लोड है। अश्विनी जी फिलहाल 39th मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, 35th मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और दूसरे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के 2024 से। तो मतलब यहां पर बंदा बहुत ज्यादा बिजी है यार, उसके साथ बहुत सारा काम है। अब देखिए इतने काम के बोझ में आदमी कैसे ही परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि हम यहां जिन एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं वो अब कोई वंस इन अ वाइल अकरेंस वाली बात नहीं रह गई है, बल्कि रोजाना के स्तर पर होने वाली बात हो चुकी है। अगर कोई अब यहां वंदे भारत की बात करेगा तो देखो ऐसा है कि उसकी बात ना ही करो तो बेहतर होगा। मान लिया कि वो बहुत अच्छी ट्रेन है, हमारे भारत का गौरव है, लेकिन हमारे भारत की 80% जनसंख्या ऐसी है जो कि नॉर्मल स्लीपर या थर्ड एसी या फिर जनरल बोगीज में ट्रेवल करती, एंड वहां की जाने भी वाकई में बहुत कीमती होती। सिर्फ मुआवजा दे देने से या किसी व्यक्ति के परिवार की थोड़ी बहुत संवेदना ले लेने से उसकी परिवार की हानि पूरी नहीं हो जाती। अब ऐसे में मुझे याद आता है कवच टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे कि जुलाई 2018 में अप्रूवल मिल गया था इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर से, और जहां तक मैं सही हूं तो डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट इसका शुरू हुआ था 2022 में। बट पिछले कुछ दिनों में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके बाद ये सोचने वाली बात है कि अगर अभी तक कवच का डिप्लॉयमेंट हुआ है तो ये जितनी भी ट्रेन्स का रिसेंट टाइम्स में एक्सीडेंट हुआ उनकी किस्मत क्या वाकई में इतनी खराब थी कि उनमें से एक में भी ये सिस्टम नहीं लगा था। आई मीन सीरियसली थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि 50% ट्रेन्स में ये सिस्टम लग चुका है, एंड ये जितनी भी ट्रेन्स का एक्सीडेंट अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ है उनमें से कोई भी ट्रेन उस 50% में नहीं आती थी जिनके के ऊपर कवच सिस्टम लगाया जा चुका है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं एक एग्जाम में ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करने के लिए गया और मेरे सारे के सारे अटेम्प्ट गलत हो गए। मतलब सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो ट्रू करना था या फॉल्स करना था, उसके बाद भी पूरे गलत हो गए। लेकिन जब हमने थोड़ी और रिसर्च करी तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी बात पता चली कि इंडिया में मोस्टली एक्सीडेंट्स जो हुए हैं वो ज्यादा स्पीड ट्रेन्स की और खराब ट्रैक्स के कारण हुए हैं। मतलब हमने ट्रेनों को तो डेवलपमेंट कर दिया उनका कि भैया आप तेज चल सकते हो, लेकिन उन ट्रेन के चलने लायक हमने ट्रैक्स डेवलप नहीं किए। एंड वहां पर इस कवच सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या हमने बाकी चीजों को डेवलप करने से पहले इन बेसिक चीजों को दुरुस्त करने पे ध्यान नहीं दिया? आई मीन सीरियसली ट्रैक्स तो सबसे बेसिक चीजें होती हैं यार जिनके ऊपर ट्रेन चल रही है। अब अगर हम बजट की बात करें तो भैया इस बार 2.5 लाख करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है रेलवे को, जो कि लास्ट ईयर से अप्रॉक्स 6% ज्यादा है। तो पैसा नहीं है ये कहना तो गलत हो जाएगा, पैसा तो है पर समस्या कहां है? तो जी समस्या क्या है वो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, और वो है वर्कफोर्स की समस्या। एज ऑफ जून 2023 274,000 पोस्ट आर वेकेंट इन ग्रुप सी एज ऑफ जून 2023, और उनमें से भी 1.7 लाख सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। अभी आरआरबी द्वारा एनटीपीसी में 6 साल बाद 10,000 वैकेंसी और टेक्नीशियंस में 6 साल बाद 9,144, और रेल मंत्री का कहना है कि हर साल वैकेंसी देंगे। और ये रेल मंत्री को पूछा जाए कि एएलपी में वैकेंसी जनवरी 2024 में आई थी और एग्जाम की बात हुई थी जून में, और अभी जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त शुरू होने को है और एग्जाम का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है, तो रेल मंत्री और सरकार ये बताइए कि अगली वैकेंसी आखिर कभी आएगी? और पिछले रेलवे भर्ती के इतिहास को अगर हम देखें तो रेलवे को एक वैकेंसी पूरा करने में करीब 6 साल लग जाते हैं। तो आप ही बताइए कि रेल दुर्घटना आखिर क्यों नहीं होगी? जब 5 साल से रिक्त पद भरे ही नहीं जाएंगे तो ये होना लाजमी है। 2018 के बाद वैकेंसी आती है 2023 में, और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 6,000 से बढ़कर 18,000 हुई है। यही हाल है टेक्नीशियंस की वैकेंसी का, जिसको 25,000 तक आना चाहिए था पर सरकार ने सिर्फ 7,000 निकाली है। ये सरकार की हम लापरवाही ही कह सकते हैं, जो वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी उसको भर्ती नहीं कर रही। और मैं आपको बता दूं कि समस्या और कृपा दोनों यहीं पर अटकी हुई है वर्कफोर्स में। भैया आप कितना ही टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लो, जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन सही से इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक आप
इस तरह के एक्सीडेंट्स को पूरी तरीके से सुधार नहीं सकते, रोक नहीं सकते। एंड ऑब्वियस सी बात है, इससे सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ही छवि खराब हो रही है और दुनिया के सामने भारत की। अब कई लोग हैं जो रेलवेज में ऑलरेडी इसको लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं, वो रेलवेज में काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि एक एक आदमी से छह छह लोगों को काम कराया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों के ऊपर ही बुरी तरीके से इंपैक्ट होना श्योर है। दरअसल इस समय पर न्यूज आनी चाहिए थी कि भैया जब हमने देखा कि चुनाव में स्टूडेंट्स का गुस्सा किस कदर फटकर बाहर आया, तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई न्यूज आएगी कि वैकेंसी बढ़ गई है, लेकिन आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट्स की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर तो जनता साफ बोल रही है कि आज से रेलवे मिनिस्टर को ट्रेन में ही यात्रा करनी चाहिए, वो भी सपरिवार इस्तीफा देने तक, क्योंकि ये सच है कि रेल का सफर आज की तारीख में हादसों का सफर बन चुका है और रेल मंत्री की शायद नींद ही नहीं टूट रही। और देखो ये कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा रेल हादसे होते हैं, क्योंकि यहां पर ये कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। मतलब आज हमारे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि रेलवे मिनिस्टर ट्रेन एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर मिडिल क्लास की जो सफरिंग्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दरअसल इस समय पर सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द भर्ती करे जो ग्राउंड पर काम कर सके। सरकार को समझना होगा कि गरीबों का भी परिवार होता है जो उनके घर पर उनका इंतजार कर रहा होता है। सरकार सिर्फ अमीरों से नहीं चलती, लोगों का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसको संभालना जरूरी है। मौजूदा ट्रेन्स और ट्रैक्स की हालत खराब है, विकास किया जा रहा है, नई चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जब तक हम पुरानी चीजों को दुरुस्त नहीं रखेंगे, उनकी हालत सही नहीं करेंगे, तो ये विकास किसी मतलब का नहीं निकलेगा। जब कोई भी अधिकारी इस तरह के हादसों के बाद में देखने के लिए या जांच करने के लिए जाते हैं, तो उनको सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाया जाता है, जिसके कारण जो कमियां होती हैं उनको छुपा लिया जाता है। ऐसे में इन बड़े अधिकारियों को लगता है कि सब कुछ चंगा सी। ये बड़े अधिकारी जब मंत्री को रिपोर्ट देते हैं तो मंत्री जी कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर कहते हैं कि जी सब ठीक है। सरकार की इस गलतफहमी से अति आवश्यक सुधार हो नहीं पा रहा है, समस्या जस की तस बनी हुई है। कर्मचारियों की कमी एक कारण हो सकता है और इसके साथ ही रूट लेवल पे बहुत सारी और भी ज्यादा सुधारों की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सरकार के लोगों को अचानक से निरीक्षण करना शुरू करना पड़ेगा। इसमें उनको वो खामियां पता चल पाएंगी जो वाकई में छुपाई जा रही है। एक्चुअली एक आदमी होने के नाते अब मैं परेशान हो चुका हूं, एक आम आदमी होने के नाते तो और भी ज्यादा परेशान हो चुका हूं इन ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, जो कि शायद हर एक शहर में हो रही है। मतलब हमारे पूरे के पूरे पुल के पुल बह जा रहे हैं यार, बिहार में रोड गायब हो जा रही है, स्टूडेंट्स कोचिंग में डूब के मर जा रहे हैं बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है तो गवर्नमेंट और सिस्टम दोनों की जीरो अकाउंटेबिलिटी है। आप यहां पर किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते। मल्टी टैक्सेशन और नील बेनिफिट्स के कारण टैक्सपेयर्स की हालत पहले ही खराब है। यहां पर बाबाओं को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है और टैक्सपेयर्स का पैसा यहीं पर खर्च किया जा रहा है। दिस ऑल एनेबल्स अस टू लीड इन द वर्ल्ड, देयर इज नो पैरेलल टू अस। और शायद अगर हम यहां से ये बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं तो गलती हमारे अंदर ही है, क्योंकि सवाल तो करना पड़ेगा ना। क्या कहना चाहेंगे आप लोग मेरे इस वीडियो के बारे में? और अगर आप अभी तक मेरे साथ टिके हुए हैं तो शायद आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अवेयरनेस को हम लोग और आगे तक पहुंचा सकें। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।